महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दिन सायंकाल 4 बजे केहर सिंह जी आश्रम में आयोजित रामायण सुनकर महाराज जी के मंदिर के पास से अपने कमरे को वापस जा रहे थे। आपको मंदिर के भीतर से आती हुई बाबा जी की सुपरिचित वाणी सुनाई दी। वे आपको नाम लेकर बुला रहे थे। आप तुरंत मंदिर की ओर चले। आपको बाबा के कुछ स्पष्ट शब्द सुनाई दिए। विग्रह के सम्मुख उपस्थित होने पर आपको कोई नवीनता नहीं दिखाई दी। सन 1985 अनंत चतुर्दशी पर महाराज जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में वृंदावन में भंडारा हो रहा था। श्री राधे श्याम शराफ फिरोजाबाद अपने भाई और नाती के साथ वहाँ उपस्थित थे। आप बरसों से पैरों में शेरोसिस की बीमारी से बहुत कष्ट झेल रहे थे। इसके उपचार में आप बहुत धन व्यय कर चुके थे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज कराने के बाद आप निराश हो गए थे। वृंदावन आश्रम में बाबा जी की कुटिया में उनके तखत पर उनका एक विशाल छाया चित्र रखा रहता है। राधे श्याम जी का नाती अकेले इस कमरे में चला गया और वहाँ एकांत में उस चित्र के आगे हाथ जोड़कर बाबा जी से विनीत प्रार्थना करने लगा कि वे उसके दादा को कष्ट से मुक्ति दिला दें। बाबा अपने छाया चित्रों में तत्वता विद्वान रहते ही हैं। बालक की प्रार्थना से बाबा जी प्रसन्न हो गए। उस बालक ने देखा कि उस छाया चित्र से एक प्रकाश पुंज बाहर आया जिसने तुरंत उनके हाथ का आकार ग्रहण कर लिया और उसके सिर को स्पर्श किया। उसी समय उसे उस छाया चित्र से स्पष्ट शब्दों में यह सुनाई दिया, जा बालक, सब ठीक हो जाएगा। वह बालक इस घटना से भयभीत हो गया। वह भागता हुआ राधे श्याम जी के पास पहुंचा और उसने सारा वृतांत उन्हें सुनाया। इस घटना के लगभग 10 महीनों में शनै शनै अपने कष्ट से राधे श्याम जी को छुटकारा मिल गया। अगस्त 1982 में एक दिन दोपहर में स्वर्गीय किशोरी लाल साहा जी के सुपुत्र अपनी माँ के साथ अल्मोड़ा से नैनीताल जा रहे थे। रास्ते में वे कैंची के मंदिरों के दर्शन करने चले आए। दोनों ने एक साथ पद्मासन में बैठे बाबा जी के विग्रह के दर्शन किए। आपकी माता जी मूर्ति को नमन कर श्री माँ से मिलने भीतर चली गईं और आप वहीं खड़े रहे। आपको मूर्ति नहीं साक्षात बाबा जी दिखाई दे रहे थे और वह भी बैठे नहीं खड़े थे। आपने बाबा जी की यह मूर्ति पहले भी देखी थी और ऐसी विलक्षणताओं पर आपका विश्वास नहीं था। आप इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। आपने भ्रम को मिटाने के लिए आप कुछ समय मंदिर परिसर में घूमते रहे। इसके बाद भी आपको विग्रह में साक्षात उसी रूप के दर्शन हुए। आप वहाँ अधिक खड़े नहीं रह सके और सीधे उस कमरे में गए जहाँ आपकी माता श्री माँ से बातें कर रही थीं। वहाँ जाकर आप जमीन में लेट गए। जब माँ ने आपकी अवस्थता का कारण पूछा तो आपने यह अनुभव सुनाया। श्रीमती रेवा साहब को बाबा जी के महापरायण के 4 वर्ष बाद कैंची में उनके दर्शन हुए। आपकी उन पर आस्था बचपन से ही थी। एक दिन अपने घर नैनीताल में आप अकेली थीं। एकाएक आपके कान में बाबा जी के शब्द गूंजने लगे, कैंची क्यों नहीं जाती, जा कैंची जा। दूसरे दिन सवेरे जागने पर फिर वही वाणी सुनाई दी, जा कैंची क्यों नहीं जाती। हनुमान चालीसा पर आप कैंची चली आईं और बाबा जी के विग्रह के आगे आसन लगाकर आपने विनय चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ की समाप्ति पर ज्यों ही आपने विग्रह के आगे नमन कर सिर झुकाया तो आपको विग्रह में बाबा जी के साक्षात दर्शन होने लगे। इस दृश्य को देखकर आप स्तंभित रह गईं। इसके बाद आपको भय होने लगा। आप अपना आसन छोड़कर मंदिर के बाहर चली आईं। बाहर आश्रम में जहाँ जहाँ भी आपकी दृष्टि बाबा के छाया चित्रों में पड़ी, आपको
सर्वत्र बाबा जी सशरीर में दिखाई देने लगे। आप कितनी भाग्यशाली हैं जो बाबा जी के आपको दर्शन हुए। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो जय श्री राम।